हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड, फिट एंड फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू अ कंटिन्यू पोर्शन ऑफ वर्कबुक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 14 एनवायरनमेंट ऑफ साइंस। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ फूड। Here in this chapter we have already completed the some questions answers which are given in workbook solution. So now we are going to fill up some more questions answer. That question number started with the question number 8. Okay, so here you can see answer the following questions in 1 and 2 sentences. Okay, so we have to give answer in 1 and 2 sentences. Okay, start with the first one. Who is there in your family? So you can write how many members in your family. Like there are mother, father, my sister and myself in my family. Okay, so if the more persons live in your family, then you can write and add some more members in this answer. Now next section, second one. Who from your family brings vegetable from the market? Market ke andar se aapke घर में सब्जी कौन लेके आता है? सो यू कैन राइट एनी ऑफ नेम, फॉर एग्जाम्पल इट्स योर फादर, इज योर फादर एंड योर मदर, मे बी इज योर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? सो इफ इन माई होम माई फादर इन माई फैमिली ब्रिंग्स वेजिटेबल्स, सो आई कैन राइट हियर माई फादर नेम। ओके, सो आई एम अटैचिंग अ वन फाइल हियर, यू कैन राइट आंसर फ्रॉम हियर ओनली। ओके, सो हु इज देयर इन योर फैमिली? देर आर माई मदर, फादर, सिस्टर, माई सेल्फ इन माई फैमिली। हु फ्रॉम योर फैमिली ब्रिंग्स वेजिटेबल्स? माई फादर इन माई फैमिली ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। थर्ड वन, विच डिशेज आर मेड फ्रॉम प्लांट्स इन योर हाउसेज? इन माई फैमिली डिशेज लाइक दाल, जिसे हम पल्सेस कहते हैं, ऑल वेजिटेबल्स, सलाड एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। नाउ लिस्ट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर यूज इन योर हाउस। ओके, सो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं जो हम यूज करते हैं हमारे घर पे और वो एनिमल से बनते हैं। सो इन माय हाउस थिंग्स लाइक घी, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स प्रोडक्ट। ओके, सो थिंग्स, नाउ फिफ्थ वन, थिंग्स विद व्हिच टेस्ट गेट रिड ऑफ कफ एंड सिकनेस फ्रॉम द बॉडी। हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट के नाम बताने हैं, कुछ ऐसे चीजों के नाम बताने हैं जो हमें जब ज्यादा कफ हो जाता है, जब स्टिकनेस होती है बॉडी के अंदर, तब हम वो यूज कर सकते हैं एज अ मेडिसिनल क्योर। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं प्लांट्स, लाइक टर्म हम यूज कर सकते हैं ऐसी डिफरेंट थिंग्स लाइक टर्मरिक, क्लव, टर्मरिक मतलब हल्दी, क्लव मीन्स जो लॉन्ग होता है उसे हम क्लव्स कहते हैं, सीड्स ऑफ मैंगो, मैंगो होते हैं ना उनकी जो गुठलियाँ होती है उनका भी हम यूज कर सकते हैं इन द क्योर ऑफ कफ। ओके, सो दिस ऑफ द थिंग्स आर यूज टू गेट रिड ऑफ कफ एंड स्टिकनेस फ्रॉम द बॉडी। नाउ नेम टू एडिबल थिंग्स विच हैव द सेम टेस्ट, ऐसी दो चीज़ों के नाम बताने हैं जिनके सेम टेस्ट थे। सो दैट्स लाइक लेमन एंड टमारिन दैट हैव अ बोथ सेम टेस्ट। नाउ विच टेस्ट डू यू लाइक मोर? सो आई लाइक मोस्ट स्वीट टेस्ट। इफ योर टेस्ट इज लाइक स्पाइसी एंड सम अदर टेस्ट लाइक सॉल्टी सॉर, सो यू कैन राइट हियर। ओके, नाउ इट्स वन, विच डिशेज ऑफ योर फेवरेट टेस्ट डू यू ईट रेगुलरली? सो इन माई पर्पज आई ईट रेगुलरली लाइक खीर, पूरी, हलवा, पिज्जा, डोसा एक्सेट्रा आर माई फेवरेट दैट आई ईट रेगुलरली। ओके, एंड सो वॉट एवर योर फूड इज फेवरेट, सो यू कैन राइट ओनली योर फूड, ओके, नॉट माइंड फूड। ओके, नाउ नाइन्थ वन, विच स्पाइसेज आर यूज इन योर हाउस वाइल कुकिंग? सो सॉल्ट, कुरियन पाउडर, मस्टर्ड सीड, टर्मरिक पाउडर एक्सेट्रा स्पाइसेस आर यूज्ड इन माय हाउस ड्यूरिंग अ कुकिंग टाइम। स्पाइसेस मीन जो मसाले होते हैं ना उसे हम स्पाइसेस कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। सो डू ऑल द पीपल्स इन योर फैमिली ईट टुगेदर? इफ नॉट, व्हाई? यस, ऑल द पीपल्स इन माय फैमिली आर ईट टुगेदर। नाउ हाउ कैन यू हेल्प इन कुकिंग? सो आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग लाइक कटिंग वेजिटेबल, वॉशिंग पल्सेस मतलब जो दाल होती है उसे धोने के अंदर, या फिर सर्विंग ऑफ फूड, खाने को किसी को सर्व करने के लिए पापा को सर्व करते हो ना खाना। सो दैट इज द हेल्प वी हैव यूज्ड इन ड्यूरिंग द कुकिंग टाइम। नाउ हु डज नॉट हेल्प कुकिंग इन द फैमिली? सो आई एंड माई फादर डज नॉट हेल्प मच इन द कुकिंग फूड, बिकॉज वाई? बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मेडिसिनल एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। मेडिसिनल मीन्स ऐसे प्लांट्स के नाम हमें बताने हैं जो हम मेडिसिनल के अंदर यूज करते हैं, और ऐसे प्लांट्स के हमें नाम बताने हैं, ऐसे फ्लावर के नाम हमें बताने हैं जो हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। डेकोरेशन लाइक जब किसी की शादी होती है तो हम डेकोरेशन के अंदर फ्लावर्स का यूज करते हैं, किसी कोई मर जाता है डेथ पर्पज डिमाइसिस के अंदर भी हम फ्लावर्स का यूज करते हैं, या फिर बर्थडे विशेज के अंदर भी हम फ्लावर्स का यूज करते हैं। ओके, या फिर किसी फेस्टिवल के अंदर भी हम प्लांट्स, अलग अलग प्लांट डेकोरेशन के लिए हम प्लांट्स का यूज करते हैं, तो हमें उनको अलग अलग
यहाँ पे डिवाइड करना है, सॉर्ट आउट करना है. सो बेसिल, डबरू, पपैया, डडोला, जॉइंट, कालो, दैट इज ऑल द प्लांट्स दैट मेडिसिनल प्लांट्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स लाइक मैरीगोल्ड, रोज, मनी प्लांट, पेरीविंकल एंड नाइट क्वीन एंड मोगरा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दैट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड, दैट फोर बास्केट्स आर गिवन हियर. सो इन फर्स्ट बास्केट फ्लावर्स, सेकंड लीव्स, थर्ड फ्रूट्स, एनी ऑफ अदर प्लांट, दैट इज द फोर्थ वन. सो यू हैव टू सॉर्ट आउट दिस ऑल द नेम्स विच आर गिवन हियर एंड राइट द नेम नंबर ऑफ दिस ऑल इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बास्केट. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हियर, हु इज द वन दैट लुक्स आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द फैमिली राइट फ्रॉम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग टिल एट द नाइट. मतलब जो सुबह से लेकर शाम तक आपके घर के अंदर पूरे दिन कौन काम करता रहता है और हर एक मेंबर का ध्यान रखता है, दैट इज कॉल्ड अ मदर. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीसेस इज मेड फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स. सो दैट इज बासुंदी, बासुंदी मिल्क से बनती है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है. सो ऑप्शन नंबर बी, विच आई मेडिसिनल प्लांट इज सी इन ऑलमोस्ट ऑल अवर हाउसेज एज अ पोटेड प्लांट. सो ऐसा प्लांट्स का नाम बताना है जो अपने हर एक के घर के अंदर पोटेड प्लांट, पोटेड पोट के अंदर दिख जाता है और जो मेडिसिनल प्लांट है दैट इज बेसिल. नाउ विद द जूस ऑफ विच प्लांट लीफ डज ईयर एच गेट क्योर्ड. मतलब जब कान के अंदर दर्द होता है तो कौन से प्लांट के जूस से वो अच्छे से ठीक हो जाता है. सो दैट इज डमरू प्लांट, ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्लांट नॉर एनिमल प्रोडक्ट. तो ऐसा एक प्रोडक्ट का नाम बताना है जो ना हमें प्लांट से मिलता है और ना जो हमें एनिमल से मिलता है. तो दैट इज अ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, दैट वी कलेक्ट फ्रॉम अ सी, जिसे हम पानी से कलेक्ट करते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस अवर चैप्टर 14 नंबर इन एनवायरमेंटल साइंस. नाउ वी आर गोइंग टू एंडिंग हियर. बाय बाय, टेक केयर.